तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों अक्सर मूर्तियां जो बनाई जाती हैं वो किसी ना किसी को सम्मान देने के लिए ही बनाई जाती हैं, या फिर उन्होंने जो काम किया होता है वो हजारों सालों तक लोग याद रखें, इसलिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। पर कुछ ऐसे ही मूर्तियां हैं जिसे लोगों ने नफरत देने के लिए बनाया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनसे लोग इतनी नफरत करते थे कि नफरत करने के लिए मूर्तियां ही बना दी। और ऐसे ही कुछ मूर्तियों की आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक मार देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्विन वी स्टैच्यू। दोस्तों अभी जो आपको दो लोगों का स्टैचू दिख रहा है, इसे हमारा जो पड़ोसी देश है यानी कि चीन, वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। चीन इन दोनों से इतनी नफरत करता है कि जो भी इन दोनों स्टैचू के बाजू से जाते हैं तो इन स्टैचू को गाली देते हैं, स्टैचू पे थूकते हैं। कई लोग अपने घर से कालिख लेके आते हैं और इन स्टैचू के मुंह पर कालिख पोंछ देते हैं, और यहाँ तक कि चीन वाले इन मूर्तियों के ऊपर पेशाब करने से भी नहीं कतराते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चीन में इन मूर्तियों को कितनी नफरत दी जाती है। पर अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, इन मूर्तियों ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन वाले इनसे नफरत करना अपना फर्ज मानते हैं। कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। ये कहानी शुरू होती है 11th यानी कि 11वीं सदी से, जब चीन के ज्यादातर हिस्सों पर सोंग नाम के एक किंगडम का राज हुआ करता था। इस किंगडम के जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा नरम दिल और इंसाफ करने वाले थे। देशवासी अपने राजा से बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये राजा किसी के साथ भी अन्याय होता देख बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसी दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था क्विन हू। ये बच्चा बचपन से ही बहुत होशियार था और काफी तेज भी, जिसकी वजह से ये अपने गांव के साथ साथ धीरे धीरे पूरे सोंग डायनेस्टी में मशहूर हो गया। लोग इसकी बुद्धि की काफी दाद देने लगे और अपनी बुद्धिमानी की वजह से ही इसे राजा के दरबार में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। और जब इसे नौकरी मिली उसी दौरान सोंग डायनेस्टी पर एक खतरा मंडरा रहा था, और ये खतरा था जिन डायनेस्टी। उस वक्त जिन डायनेस्टी चीन की सबसे निर्दयी सेना थी। ये एक एक करके पूरे चीन में तबाही ला रही थी क्योंकि ये जिस भी किंगडम में हमला करती थी उस किंगडम को ये उजाड़ के रख देती थी। वहाँ जैसे आग फैली हो वैसा हाल कर देती थी। उस देश की जितनी भी जवान महिलाएं होती थी उन सबको पकड़ कर बंदी बना लेते थे और बाकी बचे बूढ़े आदमी, औरत, मर्द, बच्चों सबको मार देते थे। बस जवान औरतों को ही जिंदा रखते थे। ये तो गर्भवती औरतों को भी मार देते थे, इसीलिए इन्हें सबसे निर्दयी सेना कहा जाता था। ये एक तूफान की तरह आते थे और तबाह करके चले आते थे। ये छोटे मोटे देशों पर कब्जा कर करके ताकतवर हो गए। उसके बाद इन्होंने चीन के सबसे बड़े एम्पायर यानी कि सोंग डायनेस्टी पर कब्जा करने का सोचा। ये एक एक करके कई हमले कर रहे थे सोंग डायनेस्टी पर। और सोंग डायनेस्टी के जो राजा थे वो ताकतवर तो थे पर उन्हें शांति ज्यादा पसंद थी। वो शांति और प्रेम को मानने वाले लोगों में से एक थे और इसीलिए अपने लोगों को बेफिजूल की मारपीट और लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए राजा ने एक शांति प्रस्ताव जिन सल्तनत के राजा को भेजा। और ये शांति प्रस्ताव को उन्होंने एक 20 लोगों के जोड़े के साथ भेजा था। और इस 20 लोगों के जोड़े का लीडर और कोई नहीं बल्कि क्विन ह्यू था, क्योंकि राजा की नजर में उनके सारे सैनिकों में से क्विन ह्यू ही सबसे बुद्धिमान और सुलझा हुआ था। इसीलिए राजा को लगा कि जिन सल्तनत के राजा को क्विन ही सबसे अच्छे से समझा पाएगा। पर असलियत में क्विन राजा ने जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक था। ये वैसे लोगों में से था जो अपने लालच के लिए कितने लोगों की जान भी ले सकता था। ये एक लोमड़ी की तरह था और इसीलिए उसने अपने देश को छोड़ के जिन सल्तनत का साथ देने का सोचा और वहां जाके अपने सल्तनत से जुड़े सारे राज जिन सल्तनत के राजा को बता दिया। क्विन ने उनको हर एक छोटी सी छोटी बात बता दी। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई थी कि नमक खाते हैं सोंग सल्तनत का और फर्ज निभाते हैं जिन सल्तनत का। ये खुफिया जासूस बन गया था। सोंग सल्तनत के राजा ने बस एक गलती की थी और वो था इतना बड़ा काम एक मास्टरमाइंड के हाथ में देना। सबके सामने क्विन बहुत ही होशियार और ईमानदार व्यक्ति था। सबको लग रहा था कि ये दो सल्तनतों के बीच सुलह कराना चाहता है, पर असल में ये दो सल्तनतों के बीच बड़ी लड़ाई करवाना चाह रहा था। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो आना बाकी था। क्विन ह्यू ने एक एक करके सारी डिटेल और सारी कमजोरी सोंग सल्तनत की जिन सल्तनत को बता दी। और अगर आपको किसी की सारी कमजोरियां मालूम हो तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। और वैसा ही हुआ। सोंग सल्तनत की सारी कमजोरी जानने के बाद जिन सल्तनत ने हमला किया और सोंग सल्तनत को आराम से हरा दिया। इन्होंने पूरे जिन सल्तनत को कुचल के रख दिया, सारे घर जला दिए, सारे खजाने लूट लिए और वहां के सारे मर्दों को जो सैनिक नहीं थे उनको मार दिया। बस जवान औरतों को और वहां के रॉयल फैमिली को ही अपने कब्जे में किया, बाकी सब मौत के गले लग गए। और कब्जे लेने में से एक क्विन की बीवी और वो भी था, और किसी वजह से सोंग सल्तनत का राजकुमार किसी ए डायनेस्टी में गया था और इसी वजह से वो जिंदा बच गया और किसी के कब्जे में आने से ही बच गया। और जब ये वापस आया तो अपने देश का हाल देखकर चौंक गया, पर इसने अपने आग को संभाला और जिन डायनेस्टी पे हमला करने का और अपनी सल्तनत को फिर से बनाने का प्लान बनाने लगा। इसने कुछ दिनों के अंदर ही अपनी सल्तनत फिर से खड़ी कर दी। उस वक्त चीन के 80% लोग जिन सल्तनत से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इसीलिए सबके सब राजकुमार के साथ मिल गए और एक घायल शेर की तरह सब अपना बदला लेना चाहते थे। और इसीलिए इतने सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से सोंग सल्तनत की और एक सेना तैयार हो गई। जिन सल्तनत ने कई लोगों के साथ बुरा किया था
और इसीलिए सबने राजकुमार को वादा किया कि वो अपनी जान दे देंगे पर इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी लड़ाई के दौरान चीन के इतिहास का सबसे ज्यादा फ्यूरियस और सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा दुनिया के सामने आया, जिसे आज हम यूफी के नाम से जानते हैं। इतना बेहतरीन योद्धा किसी ने भी नहीं देखा था। दरअसल यूफी के बचपन में जिन सल्तनत ने उसके गांव पर हमला किया था, इसीलिए यूफी उनसे बदला लेने के लिए इतना ताकतवर बना। यूफी के हिम्मत ने सोंग सल्तनत में एक नई जान ला दी। यूफी की ताकत से सोंग सल्तनत ने सारे इलाकों जो जिन सल्तनत ने धोखे से हथिया लिया था वो सब वापस ले लिए। आप कह सकते हो कि यह अकेला योद्धा पूरा देश हिला सकता था, और चीन के लोग ये मानने लग गए थे कि यूफी के मदद से वो पूरा चीन फिर से सोंग सल्तनत के अंदर ला सकते हैं। सबको यूफी को लेकर बहुत उम्मीदें थी। एक तरफ जहां यूफी अपनी काबिलियत से झंडे पर झंडे गाड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर क्वीन ह्यू अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। और घर आते उसने राजा को बताया कि वो बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा है। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाया है। पर अब कहानी पहले जैसी नहीं थी, इसलिए राजा के कई वजीर उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। कई लोगों को शक था कि दाल में कुछ काला है, और कुछ लोगों को यह भी शक था कि पहले भी जो अटैक हुआ था उसमें इसी का हाथ था। पर राजा के सामने ये बहुत वफादार था, इसलिए ही राजकुमार को जो नया राजा बना था उसको इस पे भरोसा था, और उसने इसको फिर से बस वजीर ही नहीं बनाया बल्कि अपना खास वजीर बना दिया। इस वक्त ये आदमी चीन का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी था। ये अपने एक हुक्म पर कुछ भी कर सकता था, और आखिरकार उसने अपना रियल काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो यहां आया था। इसने राजा को यूफी के बारे में भड़काना शुरू कर दिया। ये कह रहा था कि राजा अब यूफी बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और कई लोगों को यूफी पर अपने आप से ज्यादा भरोसा होने लग रहा है। ये सही नहीं है, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। और इसने राजा को ऐसी कई बातें बता बता कर भड़काना शुरू कर दिया, जैसे कि अब ये चाहे तो आपको मार के सोंग सल्तनत पर राज कर सकता है। और राजा को क्वीन पर भरोसा था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके इसकी बातों में आने लगे। क्वीन काफी चालाकी से राजा का दिमाग भर रहा था, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही थी। कई लोग यूफी के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते थे, और ऐसे में क्वीन ने कहा कि अगर ये जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं, और वो जान आपकी भी हो सकती है। ये सब बातें सुनने के बाद राजा का दिमाग भर गया, और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसे यूफी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यूफी की सेना जो कि जंग पर थी, उसे जल्दी से अपने घर वापस बुला लिया गया। यूफी को और उसकी सेना को लगा कि उन्हें शाबाशी देने के लिए बुलाया जा रहा है, और उस सेना के सारे योद्धा को इनाम भी दिया गया सिवाय उनके लीडर यूफी को छोड़ के, क्योंकि यूफी के आते ही उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। और कई सैनिकों ने आवाज उठाई कि यह क्यों कर रहे हो। कई लोगों ने राजा के खिलाफ होने की भी बात की, और फिर राजा ने यूफी को टॉर्चर करने का आदेश दिया। सेना में यूफी की बहुत इज्जत थी, जिसके चलते सैनिक राजा के सामने टॉर्चर करते थे पर असल में यूफी को टॉर्चर नहीं करते थे। ये बात राजा और क्वीन को पता चली तो क्वीन ने एक योजना लगाई और राजा को बताई। राजा ने भी उस योजना को स्वीकार कर लिया। उस योजना के मुताबिक यूफी को जेल से छोड़ दिया गया, और घर जाते ही उसे जहर देकर मार दिया गया। ये जहर देने वाली कोई और नहीं बल्कि यूफी की पत्नी थी। और ऐसे चीन के सबसे बड़े और सबसे महान योद्धा की मृत्यु हो गई। और ये होने के बाद सारे सैनिक राजा से बहुत नाराज थे, क्योंकि सबको पता था कि ये राजा की ही चाल है। कुछ सेना तो इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने राजा की मदद करने से मना कर दिया और लड़ाई से पीछे हट गई। और फिर सोंग सल्तनत की स्थिति फिर से खराब होने लगी, उनकी नींव हिलने लगी, और जिन सल्तनत को इसी का तो इंतजार था। जिन सल्तनत ने इसी काम के लिए क्वीन को वहां भेजा था, और क्वीन अपने काम में कामयाब भी हो गया। और जैसे ही सोंग सल्तनत की हालत और खराब हुई, क्वीन ने इशारा दिया और जिन सल्तनत ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये हमला पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक था, और इसीलिए इस बार सोंग सल्तनत के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बुरी तरीके से हार चुके थे, पर इस बार क्वीन ने अपना और भी ज्यादा दिमाग चलाया। क्वीन को किसी भी देश का नौकर नहीं बनना था, उसे तो राज करना था, और इसीलिए उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके राजा को कब्जे में नहीं लेने दिया, और उलट करके जिन सल्तनत के साथ एक डील कर डाली। डील के अनुसार सोंग सल्तनत के सारे गाँव उसको वापस मिल जाने चाहिए, और जिन सल्तनत को एक भारी रकम भी उन्हें देनी पड़ेगी, और क्वीन को एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जो राजा से भी ऊपर हो। राजा बदल सकते हैं पर क्वीन कभी नहीं बदल सकता, और राजा के हुक्म को भी क्वीन ठुकरा सकता है। और बदले में जिन और सोंग सल्तनत मिलकर राज करेगी पूरे चीन पर। जिन के राजा और क्वीन दोस्त थे, तो उन्होंने ये डील को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर क्वीन ने बिना किसी बात की चिंता किए चीन पर कई सालों तक राज किया। उस देश का राजा बदलता था, लेकिन क्वीन नहीं बदलता था। धीरे धीरे वक्त खत्म हुआ, और ना ही जिन सल्तनत बची और ना ही सोंग सल्तनत। पर लोगों को दो बात याद रही, वीर योद्धा यूफे की कहानी और धोखेबाज क्वीन की कहानी। और लोग यूफे को भगवान की तरह पूजने लगे, और जहां जहां पर यूफे के मंदिर बने, उन सारे मंदिर के बाहर क्वीन और उसकी पत्नी की मूर्तियां भी बनी, ताकि लोगों को ये याद रहे कैसे धोखेबाज ने उनके हीरो को मौत के घाट उतारा था। और इसी नफरत की वजह से चीन के लोग इन मूर्तियों पर थूकना, उस पर कचरा डालना, यहाँ तक कि उस पे पेशाब करना ही बिल्कुल सही समझते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक मार देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।